गाइस, एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि अभी तक मैंने जो कुछ भी वीडियोस बनाए हैं वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हुए हैं। और गाइस, मुझे बहुत दिनों से मैसेज आ रहे हैं कि सर आप वीडियोस बनाइए, कि हमारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, जनवरी में हमारे एग्ज़ाम्स हैं। तो इसीलिए मैंने प्लान किया है कि जल्दी से जल्दी सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो बना के दे दूँ, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए। अभी देखो दोस्तों, पेपर तो समर 2022 में केमिस्ट्री थोड़ा सा टफ था, बट री एग्ज़ाम में 2022 में पेपर इतना टफ नहीं था। तो अभी PC2 के लिए मैंने सबसे पहले वीडियो क्यों बनाया है कि जो मैं क्वेश्चंस दूंगा तुमको, मैंने टॉप 25 क्वेश्चंस निकाले। मतलब 2 मार्क्स वाले तो आपको खुद से ही करना है, बट 3 मार्क्स हो गया या 4 मार्क्स हो गया या उसी क्वेश्चन में से 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, जो मैंने 25 क्वेश्चन किए, तो वो सारे क्वेश्चंस को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और कोई भी चीज़ों को आप स्किप मत कीजिए, डायरेक्ट स्क्रीनशॉट मारने से अच्छा मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ वो बातों को आप समझो, तो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो सकती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बट गाइस, स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके सपोर्ट कीजिए। और अगर आपको कुछ भी डाउट है तब मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं। तो गाइस, मोस्ट आस्किंग टॉप 25 क्वेश्चंस में से मैंने कुछ यहाँ पर 7 क्वेश्चंस दिए हैं, जिसमें NDTV ड्रग विद सुटेबल एग्जांपल्स। गाइस अच्छे से करो, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, देखो आप सब लोग फेल, अगर आप लोग पास होने वाले होते तो आप समर में ही पास हो जाते हैं, पर अगर आप फेल हो मतलब आपका पढ़ाई ढंग से नहीं है या आपको चीज़ें याद नहीं होती है। आप ट्राई बहुत करते हो, आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से करते हो, बट कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। मतलब पढ़ के जाते हो बट आपके स्पेलिंग मिस्टेक हो जाते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, जितने भी मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ यहाँ पर, अभी यहाँ पर NDTV ड्रग्स के 6-7 क्लास होंगे, आपको उसमें 3-4 ही पढ़ना है। नियोप्लास्टिक एजेंट अच्छे से करो, याद रखो नियोप्लास्टिक एजेंट में या तो साइटोटॉक्सिक एजेंट पूछेगा या तो एंटी कैंसर भी पूछ सकता है। तो एंटी नियोप्लास्टिक मतलब ही एंटी कैंसर ड्रग होता है। एंटी हाइपरटेंसी हो गया, उसका स्ट्रक्चर यूजेस ऑफ प्रोपेनॉल अच्छे से करके रखो। डायबिटिक्स में फ्यूरोसेमाइड जो मैंने यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट आप देख सकते हो, तो वहाँ पर 2 मार्क्स के लिए ऐसा भी आ सकता है, 1 मार्क्स के लिए फ्यूरान कंटेनिंग रिंग कौन सा है, तो आपको बताना है फ्यूरोसेमाइड, तो उसका स्ट्रक्चर भी बनाना, केमिकल नेम भी पूछा जा सकता है। कार्डियोवास्कुलर एजेंट जो है मुझे लगता है कि वो 4 मार्क्स के लिए भी ये लोग डाल सकते हैं। एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, उसका प्रोफ्लाइफेलविन और क्लोरोकिसोल का स्ट्रक्चर हो सके तो उसके यूजर्स भी पढ़ लेना। NSAIDs तो इम्पॉर्टेंट ही है। तो इंडोमेथासिन जो यहाँ पर दिया है, तो वहाँ पर इंडोल रिंग होता है, तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडोल कंटेनिंग रिंग कौन सा, तो आपको इंडोमेथासिन का स्ट्रक्चर बनाना है। बाकी के यहाँ पर जो क्वेश्चन है, ठीक है, तो मैं देखो दोस्तों जो मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर और केमिकल नेम दिए आप देख सकते हो, तो ये जितने भी मैंने स्ट्रक्चर और केमिकल नेम और ब्रांड नेम बोला है, डैप्सिन का, तो डैप्सिन इंपॉर्टेंट है, कैफिन है, मैंने यहाँ पर एक हेलो इथेन करके वो डाला नहीं है, पर अगर टाइम मिला तो वो भी देख लेना। तो ये जितने भी सब इंपॉर्टेंट है, यूजेस जितने भी दिए वो आपको करना है। डिफरेंस बिटवीन लोकल जनरल एनेस्थेटिक और स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकेन या बेंजोकेन करके रखो, क्योंकि अभी तक पेपर में डिक्नोकेन पूछा है, तो शायद इस बार प्रोकेन या बेंजोकेन के ऊपर पूछा जा सकता है। ओके, ये तो 2022 का क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है, ये दोनों क्वेश्चन को आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज भी पूछा जाता है, तो ये 2 मार्क्स या तो 3 मार्क्स में पूछेंगे, तो अच्छे से प्रिपेयर करना। लास्ट में ये जो जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, एट्रोपिन हो गया और विटामिन्स के ऊपर क्वेश्चन है, तो ये पढ़ के रखो। एपिलेप्सी के ऊपर क्वेश्चन, ट्रैंकलाइजर करो, और बचे हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे को अच्छे से प्रिपेयर करो। गाइस, ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर टाइम मिले तो देखो, टोटल 25 क्वेश्चंस हैं, अगर आपने टारगेट रखा है 1 दिन में 5 क्वेश्चन, तो 5 दिन में आपके 25 क्वेश्चन आराम से सॉल्व होते हैं, आराम से आपका पढ़ाई हो जाएगा। अगर आपको प्लानिंग करना है कि मैं कैसे पढ़ूँ, मेरे पास 1 महीना है, 5 सब्जेक्ट गए, 6 सब्जेक्ट गए, 1 सब्जेक्ट गए, तो मुझे इंस्टा पे मैसेज करो, मैं आपको आइडियाज़ बताता हूँ, तो आप उसके सब उसको फॉलो करो, तो आपके सारे पेपर बहुत अच्छे से जाएंगे। होप सो गाइस, दोस्तों आपको मेरे वीडियो बहुत पसंद आएगा और मुझे लगता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स को शेयर करो, जिन्हें KT लगी है, जो ड्रॉप लगा है, तो वो पास हो सकते हैं। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके सपोर्ट कीजिए। और अगर कुछ भी डाउट है तो आप जैसे हमेशा इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं अभी भी कर सकते हैं। थैंक यू।